वायरलेस माउस को चलाने के लिए माउस के साथ वाले यूएसबी डोंगल को सिस्टम के यूएसबी पोर्ट में लगाना होता है और माउस के ऑन ऑफ बटन को ऑन करते ही ऑटोमेटिकली वायरलेस माउस अपना काम करने लगता है। लेकिन अगर ये यूएसबी डोंगल गुम हो जाए, खो जाए, तो ये बेचारा माउस तो अब चलने से रहा। तो क्या हमें नया माउस खरीदना होगा या फिर माउस का डोंगल मार्केट में जाकर के खरीद कर माउस चल जाएगा? माउस को खरीदने से अच्छा है क्यों ना हम इस डोंगल को बाय कर लें। लेकिन माउस में क्या दूसरा यूएसबी डोंगल लगाने पर वर्क करेगा? तो इसके लिए हम वायरलेस माउस की वर्किंग को एक बार यहाँ पर समझने की जरूरत है। देखिए, वायरलेस माउस और उसका डोंगल आपस में एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर कनेक्ट होते हैं। हर अलग अलग वायरलेस माउस और उसके डोंगल की फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, चाहे वो यहाँ पर सेम ब्रांड का क्यों ना हो, सेम मॉडल का ही क्यों ना हो। तो माउस को उसके यूएसबी डोंगल से अलग करने पर माउस किसी दूसरे यूएसबी डोंगल से कनेक्ट हो पाएगा। अब इसके लिए यहाँ पर माउस की फ्रीक्वेंसी और उसके यूएसबी डोंगल की फ्रीक्वेंसी दोनों को आपस में मैच करा करके कनेक्ट कराना होगा। लेकिन इसके पास आपके पास एक स्पेसिफिक और स्मार्ट यूएसबी डोंगल यहाँ पे होना चाहिए, जिसकी की फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर मॉडिफाई किया जा सके और उसको आपके किसी वायरलेस माउस की फ्रीक्वेंसी से मैच कराया जा सके। लेकिन हर प्रकार की कंपनी इस प्रकार के स्मार्ट और स्पेसिफिक डोंगल नहीं बनाती। लॉजिटेक का यूनिफाइंग रिसीवर और डेल का यूनिवर्सल यूएसबी रिसीवर ऐसे रिसीवर हैं जिनको की मॉडिफाई यहाँ पर करा जा सकता है और उसको किसी माउस से यहाँ पे कनेक्ट किया जा सकता है। इसकी सेटिंग को मॉडिफाई करने के लिए आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं डेल का जो यूनिवर्सल रिसीवर कंट्रोलर है इसको मैंने यहाँ ओपन कर दिया है। ये जो है यूनिवर्सल रिसीवर जो है 6 डिवाइस तक अप टू कनेक्ट कर सकता है। तो अभी इसके कंट्रोल पैनल में जाता हूँ और अभी आप देख रहे हैं प्लीज प्लग इन डेल यूनिवर्सल टू गेट स्टार्टेड। तो ये जो मेरा जो यहाँ पे यूनिवर्सल जो यहाँ पे दिया हुआ है यूएसबी अडैप्टर, इसको मैं फटाफट यहाँ सिस्टम में लगा देता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लगाते ही यहाँ पे इसने डिटेक्ट यहाँ पे कर लिया और अभी आप देख रहे हैं इसमें कोई भी डिवाइस अभी यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, बिकॉज मैंने इसकी जो पुरानी जो डिवाइस थी मैंने उसको डिलीट कर दिया था। अभी देखिए सिंपली से इसको कैसे ऐड करना होता है। यहाँ पर ऐड न्यू डिवाइस पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ स्टेप आपको दिए गए हैं। तो इसके साथ आपको क्या करना है, जो भी आपका यहाँ पर यूएसबी माउस है इसको पहले यहाँ पे आपको ऑफ कर लेना है और उसके बाद से कोई भी यहाँ पर इसका जो बटन इसको प्रेस करके रखना है और उसके साथ में आपको यहाँ पे इसको ऑन करना है। तो जैसे यहाँ पे ऑन करेंगे आप, यहाँ पर ये देखिए इसको डिटेक्ट कर लिया, 3 सेकंड यहाँ पे इसका टाइम होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ यस कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर जो है ये कनेक्ट हो गया है और यहाँ देखिए वर्किंग भी यहाँ पे करने लगा है। लेकिन इसमें सेम ब्रांड का कोई भी दूसरा यहाँ पर ऐड करना चाहे तो क्या वो भी यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर जो है ये कनेक्ट नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स ये जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पर डेल यूनिवर्सल के जो यहाँ पे साइन जो डिवाइस होती है उन्हीं को आपस में ये कनेक्ट करता है। बट लेकिन अगर मैं चाहूँ ये मेरा जो नॉर्मल एक यहाँ पर डेल का जो माउस है इससे मैं कनेक्ट करना चाहूँ तो ये इससे कनेक्ट नहीं होगा। बट फ्रेंड्स यहाँ पर जो लॉजिटेक के जो माउस होते हैं उसमें फ्रेंड्स अगर मान लीजिए इसमें इसका जो यहाँ पे डोंगल जो आता है लॉजिटेक का, को आप अगर आपका यूनिफाइंग वहाँ पर जो है रिसीवर नहीं है तो भी आप उसको इसके साथ में एक डिवाइस एटलीस्ट यहाँ कनेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। बट लेकिन वो लॉजिटेक का यहाँ पे होना चाहिए का जो ये यूएसबी अडैप्टर है ये किसी दूसरे माउस को आपस में कनेक्ट कर सकता है। अगर वहाँ पर अगर कोई लोकल माउस है तो उसका तो अगर यूएसबी अगर रिसीवर आपका खो गया है, यूएसबी जो भी डोंगल आपका वहाँ पे खो गया है, तो वो तो फ्रेंड्स उसको बोलिए आपको फिर नया परचेज वहाँ पे करना ही पड़ेगा। का जो यूएसबी डोंगल है वो किसी दूसरे से कनेक्ट वहाँ पे नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स चलते हैं, बाय बाय।